तो कॉमन सर्विस सेंटर CSC में डिजिटल सेवा के वॉलेट में आप लोग पैसा ऐड कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं। तो न्यू तरीका, न्यू मेथड से आप लोग कर सकते हैं। न्यू ऑप्शन मतलब दिया गया है, जो पहले आप लोग ऐड करते थे उस तरह अब नहीं होता है। चलिए किस तरह होता है चलिए आप लोग को बताते हैं। और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप लोग 1 रुपया ऐड करें या 100 से ऊपर ऐड करें, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को हम लाइव करके दिखाएंगे, ऐड करके दिखाएंगे। तो अपना CSC हम लॉग इन कर लेते हैं, डिजिटल सेवा, इसी के वॉलेट में हम अभी मनी ऐड करके दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए देखिए, यहाँ पे मेरा CSC लॉगिन हो चुका है। कॉमन सर्विस सेंटर जो इसका पोर्टल है, डिजिटल सेवा, वो लॉगिन हो चुका है। अगर आप लोग इसे परचेस करना चाहते हैं, आप लोग अगर अपने नाम से क्रिएट कराना चाहते हैं, आईडी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़ के आप लोग क्वेश्चन आंसर कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बहुत चीज़ों का आईडी भी देते हैं, जैसे NSDL फिंगर लगा के आप लोग पैन कार्ड बना सकते हैं, पुराना से पुराना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत चीज़ों का आईडी देते हैं, फिनो पेमेंट बैंक देते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि वॉलेट में पैसा ऐड कैसे करना, मनी ऐड कैसे करना है। तो जैसे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला, देखिए यहाँ पे होम है, सेकंड में डैशबोर्ड है, इसके बाद थर्ड नंबर में वॉलेट का सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे देखिए ऐड मनी का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग ऐड मनी फोन पे से भी कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऑप्शन नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं समरी, समरी में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका, चलिए हम प्रूफ के साथ आप लोग को दिखा देते हैं कि मेरा अभी कितना वॉलेट में है। मेरा तो वॉलेट में बैलेंस अभी 202 रुपया है। चलिए हम 1 रुपया ऐड करके दिखाते हैं आप लोगों को, तो 203 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ऐड मनी टू योर वॉलेट, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर दो ऑप्शन ओपन होगा कि यहाँ पे जैसे ही ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो एक ऐड मनी टू वॉलेट लिखा हुआ है और सेकंड में ऐड मनी टू वॉलेट यूजिंग अदर PG, तो यहाँ पे सेकंड वाला पे क्लिक करना है आपको इस पे। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और मेरा वॉलेट में अभी 202 रुपया था। चलिए हम 1 रुपया ऐड करके दिखाते हैं आपका। यहाँ पे सर्च डिटेल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे 1 रुपया हम डाल देते हैं और यहाँ पे CSC या तो ओके लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे UPI पे क्लिक कर देना, फोन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे अपना फोन पे नंबर फिलअप कर देना है। इसके बाद @YBL, इसके बाद वेरीफाई कर लेना। चलिए वेरीफाई भी हो चुका, प्रोसेस पे क्लिक कर देते हैं। देखिए 1 रुपया का रिक्वेस्ट मेरा फोन पे में चला गया है। चलिए अब हम वहाँ जाके पेमेंट कर देते हैं। आप इसमें 1 रुपया से लेके लाखों रुपया तक ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरा 1 रुपया ऐड हो चुका है CSC वॉलेट में। चलिए आप वहाँ जाके हम देखते हैं कि मेरा कितना वॉलेट में आ गया पैसा। चलिए होम पेज में हम चल जाते हैं, डैशबोर्ड में फिर से जाके समरी में वॉलेट, इसके बाद वॉलेट में क्लिक करना, इसके बाद समरी पे क्लिक कर देना। चलिए लॉग आउट हो गया, लॉग इन कर लेते हैं। कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होने के कारण लॉग आउट हो जाता है। तो अगर आप लोग भी CSC का आईडी लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छी सी वीडियो का लिंक जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। थ्री डॉट पे, इस थ्री लाइन पे क्लिक करना है अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो। इसके बाद यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करना, समरी पे क्लिक कर देना है। तो देखिए मेरा 203 रुपया यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हैं समरी में, तो थोड़ा स्क्रॉल ऊपर की ओर कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं।